क्या नाम आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश 65 साल उम्र हो गई। 65 साल उम्र हो गई। बैठ जाऊँ? बैठिए। अच्छा, तो यहाँ कब से हो आप दिल्ली में? हो गया था, बहुत दूर से हूँ, लेकिन काम करता हूँ, काम नहीं होता है जब इधर आ जाता। तो ये सिचुएशन कैसे हुई आपकी? काम तो करते थे पहले। हाँ, घर का भी कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब घर में इज्जत ना मिले तो इंसान को घर छोड़ ही देना चाहिए। पहला नंबर, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, अब क्या बताऊँ। किस कहाँ के रहने वाले हैं आप? आरा जिला, बिहार का हूँ। बिहार से आरा जिला से? अच्छा, सारे उतरना वगैरह हैं, सब हैं। बच्चे भी हैं? हाँ सब हैं, सब। आंटी भी? हाँ सब हैं। आंटी भी? बाप भी, अभी बाप भी जिंदा है। बाप भी जिंदा है, लेकिन बाप से कोई मतलब है नहीं बाबू। अच्छा। केवल अपने पैसा अपने खर्च किए, अभी पेंशन आए अपने में खा पी के खर्च पाने किसी औलाद को। अब क्या उनकी गलानी में बताऊँ, बहुत दुख होता है। अच्छा, बताओ कुछ दुख भरी अपनी कहानी बताओ। बच्चों ने कैसे निकाल दिया घर से आपको? देखिए पहले से मेरे बाप ने, अब क्या बताऊँ, वो कहीं और जगह थे, है तो मिलिट्री में, रिटायरमेंट है, उनकी पेंशन भी आती है, लेकिन पेंशन अपने ही खा पी के खत्म हो गए, किसी औलाद को बस 1 रुपया भी नहीं देती। अच्छा, जो हकीकत बात बोलता हो। और हमारे तीन भाई हैं, हम दो भाई सब कमाने वाले हैं, पैसे वाले। वो कहाँ रहते हैं दो भाई? वही है, बगल में ही है, एक वो रोहनी में, दिल्ली में। लेकिन एक भगवान ने, हर एक 100 घर खोजोगे आप, हर एक घर में एक दो परिवार जरूर कमज़ोर निकलता है, एक भाई या दो भाई जरूर कमज़ोर। देखो दोस्तों, बाबा का नाम क्या नाम बताया बाबा अपने? अपना जयप्रकाश। जयप्रकाश बाबा की दुख भरी कहानी है। आज बाबा मेरे को पास से कई देर से आ रहे थे मेरे। और देखिए इंसान को अपने, और मैं सोच रहा था इनसे बातें करने काफ़ी देर से, मैं भी मेरे दिल करा मेरा कि मैं बाबा से बात करूं। बाबा से बात की तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी पढ़ा लिखा और एक ना एजुकेटेड पर्सन है ये। हाँ, और एजुकेटेड पर्सन है। कितना पढ़ाई की है बाबा? 12वीं सबको, बाबू इंग्लिश मीडियम सबको जानता है, इंग्लिश मीडियम सब जानते हैं। कितने हैं ना बूढ़े आदमी, बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, अच्छा, सब पैसे वाले हैं। अच्छा, कोई ना कोई घर से आउट कर दिया गया। अच्छा अच्छा, क्या मतलब है? पहले इसको समझाना है। हाँ हाँ, भगवान ने तुम्हें दो को सही बनाया है, एक को तुम परवरिश नहीं कर सकते हो। सही बात। फिर ऐसे निर्माण से बढ़िया है, लेकिन वंश बढ़िया नहीं। आई डोंट लाइक फैमिली। हम गए माता लेने, औलाद कहाँ से पैदा हो गया? तुम्हें भगवान ने दिया है, नहीं तो किसी को मिलता भी नहीं है। लेकिन तुमने उसे भी ठुकरा दिया। हमारे बाप की बहुत जवानी है, एक अंडरपैंड ग्रेजुएट तक नहीं दिया, इतना पैसा। बेटे का नाम क्या है? बेटा का नाम है कृष्णा। वो क्या करते हैं? बेटे वो भी गुड़गांव में कोई काम करता है, हल्का फुल्का उसको मिल जाता है 15-16 हज़ार। आप शाम को घर जाते हो? मैं घर नहीं जाता, बाहर रहता हूँ, जिस घर में इज्जत नहीं मिला। अच्छा, घर अपना है यहाँ पे? हाँ अपना ही है, उत्तम नगर बालाजी चौक मोहन गार्डन। अच्छा जी, लेकिन आप इनडायरेक्ट उनको समझाना। हाँ हाँ, लेकिन फर्दर कोई ऐसा पुलिस केस ना हो। बाकी नहीं, 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 नहीं। बाकी तो हमें जो करना है करेगा, मर तक क्या क्या ना करता है। बिल्कुल सही बात है। हम चाहे तो घर को उड़ा भी दूँ, खराब भी कर दूँ, पूरा काट के भाग जाऊँ। अच्छा, घर थोड़ा सा दिमाग दिमाग में थोड़ा सा असर पड़ा आपको घर छोड़ने के बाद? अब सर देखिए, फ्री माइंड हूँ, यहाँ कोई नहीं बोलने वाला, जब रहो तो अपना कुछ काम। कितने साल से आप यहाँ पे? हो गया हमें 2.5 साल 3 साल। 2.5 साल 3 साल हो। घर वाले लेने नहीं आए आप? नहीं, कोई खोजने वाला भी नहीं है। खोजने वाला भी नहीं? कोई भी नहीं है ना, कोई इंग्लिश लगा हमारा आदमी खोज के लाओ। और आपको अपने घर हम लेके जाएँ और उनको समझाएँ, क्या घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? आप रह लोगे वहाँ पे? रह लेंगे, लेकिन समझने वाला है नहीं। हम समझाएंगे ना, हमारे समझाने से हो सकता है वो समझ जाए। कुआं से पानी घिसते घिसते रस्सी कभी कभी बैठे आती है, पुछी पलसर कट जाता है, मैं उसको बना नहीं सकता। उसी तो है, जब हमारा बाप अभी तक 75 साल हो गया, वो नहीं समझा। अच्छा, तो आजकल के लड़के क्या समझे? चल मतलब, तो आपका जो आंटी जी नहीं समझाती? माँ तो चली गई, पिताजी है नहीं, आपकी जो वाइफ है बेबी, उनकी बात। एक लड़का हमारा, एक ही लड़का है जिसका एक वंश होता है बिल्कुल सारा खराब होता है। हाँ, एक वंश है तो वो बिल्कुल हल्का मचा देता है, कहता है कि ना रहूँगा ना रहने। बेटी भी है? नहीं, बेटी बेटी नहीं, एक बेटा बेटा है, और वही बेटा भी नालायक है। हाँ, वो भी काम करता है, काम करता है, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ ऐसा बाबू थोड़ा सा शाम को हो जाता है। अच्छा, तो थोड़ा घर में थोड़ा भगवान बातों में कहता है, अंकल पापा ऐसे करते हो, हमारे बेटे छूट जाएगी, कोई बात नहीं, बुढ़ा करो कहाँ तो बर्दाश्त करो। अभी बाबा मैं क्या मदद कर सकता हूँ? पहली बात तो मैं आपको अपने आपके घर सोच रहा हूँ कि आपके घर आपको छोड़ूँ तो आपके घर वाले आपको रख लें। बहुत अच्छी बात है, आपकी जो जिंदगी इस रोड पे भटक रही है ना, उससे अच्छा है आप अपने घर में रहोगे, हो सकता है बच्चे का दिमाग रिवाइवर हो जाए। फिर मिलना है, खाली यही उनसे पूछना है। अच्छा, चार शब्द की बातों में, हमारे पिताजी का नाम रामजी राम है, वहाँ बैठो ना, एक प्रॉब्लम है, बोलना कि हाँ
उनको धमकी देना है कि डीसीपी के पास आप मुझे अपना एड्रेस दे देना। हाँ देता हूँ, ठीक है। हाँ। मैं बात करके देखता हूँ उनको कौन कौन से समझाना है। हाँ, मैं हर एक जितने बूढ़े हैं बाबू सब घर से खपा हुए हैं। देखिए वहाँ भी जो बैठे हैं बहुत हैं बूढ़ा। आपको ज्यादा अभी क्या खाना है? आपको कुछ भूख लगी? कोई बात नहीं, अभी कह रहे थे कुछ खाना है मुझे। खाना नहीं, अब आपकी बातों से मेरी पेट भर गई। हो जाता है बातों से पेट नहीं भरता है। क्या खाओगे? क्या पसंद है आपको बताओ, मैं वही खिलाता हूँ आपको। क्या खाओगे? एक कचौड़ी खा लेंगे। बस एक कचौड़ी की इच्छा है? कहाँ मिली कचौड़ी? बस यही मिल जाए, कोई बात नहीं। मैं लाता हूँ कचौड़ी, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। उनको आप कॉन्फ्रेंस करना, क्वार्टर नंबर सब बता देता हूँ। अच्छा, उनको पहले आप समझाना है, ठीक है? कमेंड योर माइंड है, उनको अफ्रेड मत करना कि जरा डर जाए परिवार। बिल्कुल ठीक है, आप घर में जाने के लिए तैयार हो? हाँ हम जाएंगे, हम ठीक है, हम आपके घर लेके जाएंगे। मुझे एड्रेस बता देना, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। आप रोने लगे बाबा, आप रोने लग गए। हाय हाय कितने प्यारे अंकल हैं, देखो आंखों में आंसू आ गए। रो मत बाबा, हाथ हटाओ आगे से, पहले आप रो मत यार। ऐसे करने से दिल पसी जाता दोस्तों। देखो कई सारी है ना औलाद ऐसी हो जाती हैं जो अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना पसंद करते। ऐसा ना करें, आपसे गुजारिश है आप नहीं, भाई भी हमारे बुजुर्ग आदमियों को है ना, भाई भी हमारे अपने अपने पास रखें और अपने हिस्से में से चाहे उनको एक रोटी दे दो, उसी में वो खुश रहते हैं। और जब उनके औलाद खुश रहती है ना तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। अब देखो कैसे हमारे भाई भी सुबह सुबह के रोते हैं, बाबा रो रहे हैं तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये क्या कह रहे हैं अभी कि मैं अपनी लाइफ को ना खत्म करना चाहता हूँ कि कहीं बस के नीचे आ जाऊँ। वो भी कहेगा बूढ़ा कि तुम खत्म कर लो। हाँ। हमारा बाप को देगा, हाँ खत्म करने दो, वही सब बोले। आंखों में आंसू आ गए, आंसू पोंछ लो आप, है ना, रो मत, है ना। मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा आपको अपने अपने घर तक पहुँचाने की, उनको समझाने की, ठीक है? आपके बच्चे कोई ना कोई तो आपको रखेगा, रखेगा नहीं, बाप भी है वो रखेगा, भाई को भी तो काम है। ऐसे ऐसे बुजुर्गों की हेल्प किया करो। रो मत अंकल, आप रोने लगे सुबह सुबह के, रोने लगे अंकल। परिवार को दर्द बेटी हमें भी नहीं, परिवार का दर्द है मैं समझता हूँ, बट मतलब वो भी इतना अच्छा परिवार, अपना घर है दिल्ली में, अपना घर होता है और आज रोड पे जिंदगी कैसे गुजर रहे हैं। इस उम्र में आदमी से अच्छे से खाट से उठा नहीं जाता, चार पाई से एक भाई खाता है छोटा, वो छोटा तो खाता जाके जान दे दो। अच्छा, दुनिया मरती है तुम भी जाके मर जाओ, बताओ उसको टैलेंट। वो इसलिए बोलते हैं कि वो अपने भाई का दुख देख नहीं सकते, शायद इसलिए बोलते हो, हैं? ये भी बात हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा बाबा आपको अपने घर तक पहुंचाने की। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें, और हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर बाबा की मदद कर इसके घर तक पहुँचा दे। और मैं भी बाबा आप भी बोलो कि मदद करना, वीडियो को थोड़ा शेयर करना, थोड़ा बाय कर दो उधर। हाँ, मैं आपके लिए खाने के लिए लेके आता हूँ बाबा के लिए, ठीक है? ट्राई टू माई लेवल सेल्फ, ओके, कोशिश करना बेटे जहाँ तक हो। मैं घर ही परिवार के बगैर सब जिंदगी अधूरा है। आप बोलो अपने दिल से कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने घर बुला लो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, हमारे फैमिली बुला दो बस। आपके बेटे का क्या नाम है? कृष्णा नाम है। कृष्णा भाई आप जहाँ भी हो देखो बाबा का दर्द समझो यार, क्या नाम है, आप एक अच्छे इंसान हो और अपने पापा को आपने इस तरीके से इस कदर रोड पे छोड़ रखा है, आप अपने पास बुलाए हैं ना, रोड पे भटक रहे हैं और ये घर आना चाहते हैं। पिताजी है, पिताजी है। और ये कहते हैं कि मतलब आप पिताजी भी जिंदा हैं अभी, लेकिन पिताजी की नहीं चलती ना, जब औलाद हो जाती है ना तो पिताजी की नहीं चलती, वो बुजुर्ग हो गए होंगे, उनकी वैल्यू नहीं है अभी। लेकिन यार कृष्णा यार जहाँ पे भी आप हो, आप अपने पापा को, आप अपने पापा से बात करना यार, कैसे तरीके, हम मेरे नंबर पर फ़ोन कर लेना और मेरे पास आ जाना, मैं आपको गाइडलाइन आपको अच्छी समझाऊंगा आपके पापा की हालत क्या है। आप अपने पापा को अपने पास बुला लो यार, कैसे करके चाहे आधी रोटी देने उसी में खुश रहेंगे। ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। आज पहली बार मैं भी दिल से भावुक हो गया कि मतलब इनकी स्टोरी सुन के, कहानी सुन के, इतने इंटेलिजेंट पर्सन है जो ये और रोड पे भटक रहे हैं तो देखा नहीं जाता, खुद कहते हैं मैं काम करना चाहता हूँ। तो आप भी सोचो यार, इस वीडियो को शेयर करना और कृष्णा के पास उनके पापा को ज़रूर भेजना और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और देखे अपने पापा का हालात और उनको वो बुलाएं, ठीक है? बाय।